नमस्कार मित्रों, मूर्खों की नहीं, पढ़े लिखों की या कम पढ़े लिखों की बातें करते हुए भर्तृहरि एक और सुंदर श्लोक कहते हैं। संगीत साहित्य कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणम् न खादन्नपि जीवमाना तदभागधेयं परमं पशूनां। इस संसार में संगीत साहित्य या कला, इन चीजों का ज्ञान हर मनुष्य को होना चाहिए, हर मनुष्य की इसमें रुचि होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे इनमें से किसी में रुचि नहीं है, तो भर्तृहरि कहते हैं कि संगीत साहित्य कला विहीन साक्षात पशु हो। वो साक्षात पशु है। कैसा पशु? जिसके माथे पे सींग नहीं है और जिसके पीछे पूंछ नहीं है। पुच्छ विषाणहीना साक्षात पशु, वो साक्षात पशु है, खाली उसको पूंछ और सींग की कमी है। तृणं न खादन्नपि जीवमाना, वो घास नहीं खाता है, दुनिया भर का खाता है, घास नहीं खाता है और इस दुनिया में जीने वाला। तद भाग धेयम परमं पशुनाम, वो वास्तव में पशुओं का ही एक प्रतिनिधि है, यह साक्षात पशु है। ये तो कह ही दिया, पहले कह दिया साक्षात पशु पुच्छ विषाण ही ना, तो वो खाली घास नहीं खाता है, माथे पे सींग नहीं है, पीछे पूंछ नहीं है, बाकी वो पशु से किसी भी मामले में कम नहीं है। इस प्रकार से भर्तृहरि ने यहाँ पे इन सब संगीत साहित्य कला वगैरह की प्रशंसा की है। इनका अध्ययन सबको करना चाहिए, सबको समझना चाहिए, इसीलिए आपकी सेवा कर रहा हूँ कि अगर आपको नहीं संस्कृत साहित्य का ज्ञान है, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इसको पढ़ पाएँ, तो ये वीडियो सुनते रहिए। पूरे संस्कृत साहित्य के बारे में आपको देखिए, यहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट में आपको महाभारत की कथाएं चल रही हैं, वो जानने को मिलेंगी, वाल्मीकि रामायण की कथा चल रही है, ये नीति शतक शुरू किया है, वेदों से लगती हुई बातें हैं, बहुत कुछ यहाँ पड़ा हुआ है। आपके पास जितना समय हो, आप जितना समय दे पाएं, आप जिस क्षेत्र में, कालिदास के बारे में यहाँ बात की गई है, यहाँ भास के बारे में बात की गई है और जो बाकी बच्चे उनके बारे में बात की जाएगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे, नई नई साहित्य से लगती हुई बातें आपको मालूम पड़ती रहेंगी। सुनते रहिए, नहीं पढ़ने का टाइम है तो सुनिए, मैं आपको हर साहित्य की हर विधा से, संस्कृत से लगती हुई जो भी हैं उनसे अवगत कराऊंगा। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर रविनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति।